अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूं हकीम रियाज कबो, आप देख रहे हैं रियाज कबो यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फटकड़ी के फ़ायदे, फटकड़ी से इलाज, जो कि उर्दू में फटकड़ी और हिंदी में फटकड़ी के नाम से भी जाना जाता है। एक किस्म का केमिकल कंपाउंड है जो पोटाशियम अल्मोनियम सल्फेट कम्बाइनेशन है। फटकड़ी के क्या फ़ायदे हैं, वीडियो स्किप नहीं करनी। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त और आसान फ़ायदे बताऊंगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फटकड़ी को इलाज के तौर पर इस्तेमाल करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कैसे और कब इस्तेमाल करना चाहिए। फटकड़ी को गलाजत की हालत में इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं होता और इससे नुकसान पैदा हो सकता है। चेहरे के दाग धब्बे कील माह से दूर करने के लिए स्किन केयर, जिल्द की हिफाजत। फटकड़ी जिल्द की हिफाजत के लिए मुफीद है। फटकड़ी को पानी में घोलकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की चमक बरकरार रहती है। चेहरे के दाग धब्बे दूर करने के लिए बहुत मुफीद है। फटकड़ी को पानी में घोलकर चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे कील मुहासे एक्नी पिंपल से निजात मिलती है। पेशाब की रुकावट के लिए, पेशाब की रुकावट का इलाज, फटकड़ी पानी में मिलाकर पीने से पेशाब की रुकावट को कम करने में मदद मिलती है। गर्मी दानों का इलाज, फटकड़ी को पानी में भिगोकर गर्मी दानों पर रगड़ने से गर्मी दानों से निजात मिलती है। जलन को कम करने के लिए, फटकड़ी को पानी में भिगोकर जली हुई जगह पर रगड़ने से जली हुई जगह की जलन को कम करती है। खुजली का इलाज, फटकड़ी को पानी में भिगोकर इसको मुतासर जगह पर रगड़ें, ये आपकी जिल्द को ठंडा करेगी और खुजली को कम करेगी। एलर्जी का इलाज, फटकड़ी को पानी में भिगोकर जिस्म पर मलें, इससे जिल्द की एलर्जी को कम किया जा सकता है। जहरीले कीड़ों के काटने का इलाज, कीड़ों के काटने पर फौरन फटकड़ी को इस्तेमाल करें, इससे कीड़े का जहर जिल्द में नहीं जाएगा और दर्द कम होगा। सोजश का इलाज, सोजश की मौजूदगी में फटकड़ी को एलोवेरा जेल या एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर जिल्द पर लगाएं, ये जिल्द को ठंडा करेगा और सोजश को कम करेगा। दांत साफ करने के लिए माउथ केयर, मुंह की हिफाजत, फटकड़ी को दांतों पर रगड़ने से दांत साफ होते हैं और मसूड़े मजबूत होते हैं। दांतों में दर्द या बदबू के लिए फटकड़ी को थोड़े से पानी में घोलकर कुरूलियाँ करने से मुंह की बदबू दूर होती है, दांत मजबूत होते हैं, मुंह में निकलने वाले छालों से भी निजात मिलती है और दांतों का दर्द ख़त्म हो जाता है। कट लग जाना या ज़ख़म वगैरह के लिए, छुरी वगैरह से कट लग जाने या कोई ज़ख़म वगैरह हो जाने की सूरत में या कोई ब्लेड वगैरह लग जाने की सूरत में फटकड़ी को पानी में घोलकर लगाने चोट की सफाई होती है और इन्फेक्शन होने से बचाती है। कट ज़ख़म का खून आना बंद हो जाता है और ज़ख़म भर जाता है। इसको पानी में घोलकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शेविंग, दाढ़ी और मूंछ की सफाई, फटकड़ी को पानी में घोलकर या डायरेक्टली चेहरे पर लगाने से दाढ़ी और मूंछ की सफाई करने में मदद मिलती है। इससे दाढ़ी के बाल भी नरम हो जाते हैं। जिस्म से पसीने की बदबू दूर करने के लिए फटकड़ी को नहाने वाले पानी में घोलकर नहाया जाए तो जिस्म से पसीने की बदबू दूर करने के साथ साथ ख़ारिश और एलर्जी से भी निजात मिलती है और जरासीम का भी खात्मा हो जाता है। ख़वातीन के इस्तेमाल के लिए, ऐसी ख़वातीन जो डिलीवरी के बाद यानी कि बच्चे की पैदाइश के बाद ख़वातीन की शर्मगाह काफ़ी हद तक लूज़ हो जाती है, इसको टाइट करने के लिए आप फटकड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप पानी में घोलकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में घोलकर इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि आप कोई भी एक लीटर वाली खाली पानी की बोतल लेकर इसमें थोड़ी सी फटकड़ी कूटकर बोतल में डालकर पानी से भरकर अच्छी तरह हिलाकर इसको किसी एक कोने में रख दें जहाँ बच्चों की पहुँच से दूर हो।
आप जब भी वॉशरूम हाजत के लिए जाएं तो इस पानी से अपनी शर्मगाह को अच्छी तरह अंदर तक धोएं। इस पानी के इस्तेमाल से शर्मगाह तंग हो जाएगी और पसीना वगैरह आने की वजह से जो जम्स वगैरह होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और रिमूवर्स क्रीम यूज़ करने की वजह से स्किन ब्लैक हो जाती है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो स्किन भी साफ़ होगी और इन्फेक्शन वगैरह से भी निजात मिलेगी। अगर आप इसको डायरेक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो रात को सोने से पहले शर्मगाह में 3 से 5 मिनट तक अच्छी तरह फटकड़ी से अंदर तक मसाज करके सो जाएँ। कुछ दिन इस्तेमाल करने से शर्मगाह बिल्कुल टाइट हो जाएगी। या ऐसी लड़कियां जिनसे कोई जवानी में कोई गलती हो गई हो तो वो भी इसको वक्फे वक्फे से इस्तेमाल करती रहें, इसके इस्तेमाल से शर्मगाह बिल्कुल टाइट हो जाएगी। ये कुछ इसके फ़ायदे थे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।